विजयपुर सरपंच संगठन ने एसडीओ और उपयंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्योपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने कहा कि हम जब नवीन निर्माण कार्य करवाने जाते हैं तो सरपंचों से 5% कमीशन एसडीओ सतीश कराना के द्वारा मांगा जाता है। विजयपुर के सरपंच संगठन ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा से गुहार लगाई, कहा एसडीओ बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर आरती सेगर के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं ले जा रही। महिला इंजीनियर होने के कारण अभद्रता से बात करती है। सरपंच संगठन ने कहा कि आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य पंचायत में नहीं हुए, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्राम पंचायत में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनता हमसे आस लगाकर बैठी है कि नई सरपंच हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए हम हताश हो चुके हैं। इसलिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए और निलंबित किया जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठीक तरीके से किए जा सके। आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, अभी तक रिकॉर्ड भी सरपंच सिर्फ आधार कार्ड के फॉर्म पर सील लगाने के सरपंच है। अभी तक कोई वित्तीय अधिकार कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई काम हुआ है, ना पंचायतों में हमको कोई अहमियत दी जा रही है। सेक्रेटरी होते हैं मनमानी कर रहे हैं, सचिव होते हैं मनमानी कर रहे हैं, रोजगार सहायक है वो भी मनमानी कर रहे हैं। और यहाँ पर जाओ, जनपद में जाओ, जनपद में कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं सेक्रेटरियों से बात करो, पंचायतों में जाए तो कार्यालय में कोई सामग्री नहीं है, बैठने के लिए मिलने के लिए कोई जगह नहीं है। और जनपद में जाते हैं, जनपद में भी खड़े रहते हैं, वहाँ पर भी बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं सरपंचों के लिए, ना ही वेटिंग रूम है, ना ही कुर्सियाँ हैं। सरपंच लोग खड़े रहते हैं, सरपंचों की औकात मतलब ऐसी हालत हो रही है कि मान लो गरो कुत्ता ना गरो ना काट। बिल्कुल बिल्कुल यही है, धोबी का कुत्ता करे। किस प्रकार की मांग कर रहे हो आप लोग? जी हम सरपंच लोग हैं जो जनपद पंचायत विजयपुर से आए हुए हैं, और ये सभी सरपंच हैं, ये विजयपुर के जो कोरोना साहब है ना, नए एसडीओ साहब, उनसे परेशान है। सतीश कोरोना जी नाम है उनका, और वो लगभग 3-4 महीने होने को हैं, पहली बार कल मिले हैं, किसी का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। जब उनसे बात की ना हम लोगों ने जाके, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला कि 5% मुझको चाहिए और 20,000 रुपये TS पे चाहिए। तो सब लोग TS पे देंगे 20,000 रुपये, नए सरपंच बन के आए हैं, कहाँ से लाएंगे उनके लिए? तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि मुझसे बात मत करो, मेरे उससे बात कर लो, अपने दलालों का नंबर दे गए, नाम दे गए, उनसे बात करो, और हमसे अच्छे से बात तक नहीं की। SDO के अलावा जनपद CO का भी नाम आ रहा था? नहीं, अभी जनपद सिंह साहब की तरफ से ऐसा कुछ ऐसी कुछ बात आई नहीं है अभी हमारे लिए, क्योंकि काम ही चालू नहीं हुए हैं। पहले एस्टीमेट बनेंगे, फिर TS होंगी, तब सिंह साहब का नाम आएगा। अभी हमें सिंह साहब से कोई परेशान नहीं है। देखते SDO साहब की जैसे डिमांड है कि TS बनने पे कितने रुपए मांगते हैं? 20,000 रुपये। हाँ, वो 20-25,000 रुपये से 10,000 रुपये से लेके 20-25,000 रुपये तक TS पे, 5% अलग से। तो क्या डायरेक्ट आपसे मांगे कि किसी दलाल को? हाँ, बोल के गए, जब हमने मना किया तो उन्होंने फिर दलालों के नंबर और नाम दिए। अगर ऐसा रहा तो फिर आप नए सरपंच बने हो, काम कैसे कर पाओगे? वही तो साहब, हमारे गांव में हालत खराब हो रही है। पंचायत के लोगों ने हमें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है, सभी सरपंच लोगों को, अधिकतर नए युवा लोग हैं, उनको भी उम्मीद है कुछ करके दिखाएंगे ये लोग, पर हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कोरोना, सतीश कोरोना जी। हाँ, इनकी CFT पे हैं, ये बताएं उनके बारे में, बताओ। रोजगार बाबू तक इनको प्रताड़ित करते हैं और इनसे पैसे की मांग करते हैं, और मतलब कई समस्या इनके साथ हो रही हैं। और सतीश केराना जो SDO बन के अभी गए हैं विजयपुर में, वो इनसे 5% की राशि मांग रहे हैं, यानी कि जब नए सरपंच बने हैं अभी इनके पास एक पैसा नहीं, लेकिन फिर भी एडवांस पैसा मांग रहे हैं नए काम को करने के लिए। सरपंच आए विजयपुर से, अभी मीटिंग चल रही है, कमिश्नर साहब आए हैं, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। इन्होंने अगर इन्होंने कहा सरपंच संगठन ने, अगर ये हमारी समस्या हल नहीं होगी तो हम दीपावली के बाद से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नहीं, सब हो जाएगी समस्या हल हो जाएगी, मीटिंग नंबर जवाब। बाबा अधिकारी वगैरह पैसे की डिमांड करते हैं कहीं ना कहीं। विधायक जी, क्या आप उस क्षेत्रीय विधायक, आप लोगों की भी लगाम ऐसे अधिकारियों पे होना चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है आप? वो देखो जानकारी लेंगे, देखो तो निश्चित ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों पे जानकारी लेके जब भी करेंगे। नहीं विधायक जी, मेरा सीधा सवाल है कि ऐसे जानकारी लेके कैसे? नहीं, सरपंच संगठन जो आए हैं
नहीं सर, मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि जो ये नए सरपंच बने, अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी शुरू में इनको मिलेंगे तो क्या ऐसे लोगों पे आप जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, क्षेत्रीय विधायक है, तो ऐसे क्या भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, ऐसे क्यों होगी कार्रवाई? बिल्कुल होगी।